हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जितने फॉर्मूले यूज होते हैं ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे चैप्टर में, वो सभी फॉर्मूले में आपको नोट डाउन करा रहा हूं। ठीक, तो पहला फॉर्मूला हमारा रहेगा फॉर्मूला फॉर टी रेशियो ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। टू एंगल्स का सम डिफरेंस का फॉर्मूला, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी। ठीक, तो ये सभी फॉर्मूले मैं लिखवा रहा हूँ, नोट डाउन करा रहा हूँ, देखिए करके सभी लिखते जाइएगा। फर्स्ट साइन ए प्लस बी, सम और डिफरेंस दोनों, तो ये सम का फॉर्मूला, अगले डिफरेंस का फॉर्मूला, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, तो ये सम हो गया। अगर डिफरेंस निकालना माइनस का, तो हम इसी में जस्ट नीचे माइनस कहने लगा, तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये तो साइन का हो गया। दूसरा फॉर्मूला कॉस का, कॉस ए प्लस बी, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ये अलग है। ठीक, इसमें कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस होगा, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक, अब जब हम माइनस लेंगे, अगर हम माइनस लेते हैं तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अगर माइनस का होगा साइन ए माइनस बी का, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिमिलरली इधर देखिए, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अगर माइनस है यहां पे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। नेक्स्ट समझते हैं टेन का फॉर्मूला, टेन ए प्लस बी, तो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। सिमिलरली यहां पे भी अगर माइनस होगा ये माइनस, तो क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस, ये माइनस अप्लाई जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन, नीचे वाला साइन अप्लाई होगा, ध्यान दीजिएगा, प्लस टेन ए टेन बी। अगर हम इस माइनस के फॉर्मूले के लिए यूज कर रहे हैं, तो सभी माइनस वाले इधर देखिए, नीचे वाला फॉर्मूला यूज होगा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। अब नेक्स्ट देख लेते हैं कॉट के लिए फॉर्मूला, फोर्थ वाला फॉर्मूला जो है कॉट के लिए है, कॉट ए प्लस बी, तो यहां पे हो जाएगा कॉट ए, कॉट ए कॉट बी, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। मैं इसे भाई कॉट ए प्लस कॉट बी भी लिख सकता था, लेकिन ध्यान दीजिए क्योंकि ये प्लस है, आगे पीछे हम किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाले फॉर्मूले में क्या होता है, कॉट बी माइनस कॉट ए हो जाता है। यानी मैं इसको जब चेंज करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉट ए कॉट बी, यहां पर क्या हो जाएगा, प्लस वन, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, कॉट बी माइनस कॉट ए, ये फॉर्मूला ऐसा हो जाता है। ठीक, तो ये सभी चारों फॉर्मूले हैं यहाँ पे, चार नहीं है, कितने हो गए, एट फॉर्मूले हो गए। ठीक है, प्लस माइनस इधर भी प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस, इधर भी प्लस माइनस, तो आप सेपरेट करके ही लिखना, मैंने समझाने के लिए आपको बढ़िया से लिख दिया, क्योंकि बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है, टाइम आपका ज्यादा खराब होता है। तो साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो नीचे वाला साइन है तो नीचे वाला साइन लेंगे, इधर नीचे वाला तो नीचे वाला साइन रहेगा, यहाँ पे भी नीचे वाला तो सब में ऊपर भी नीचे वाला साइन, नीचे भी नीचे वाला साइन, और इधर कॉट में भी नीचे वाला अगर साइन लेते हो माइनस वाला, तो ये नीचे वाला साइन प्लस का, और इधर पे क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो आप नोट डाउन करिए आगे के फॉर्मूले और देखते हैं, चलिए अब हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला फॉर टी रेशियो ऑफ सम ऑफ थ्री एंगल्स, थ्री एंगल्स है ना, थ्री एंगल्स के सम का फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का।
तो यहाँ पे भी साइन भी था कॉस भी था, तो वो थोड़ा सा लेंदी है, आप रिमाइंड नहीं करोगे, याद नहीं कर पाओगे उसे, ठीक है। तो उसे इसलिए स्किप कर दिया, क्योंकि उसमें टू एंगल्स के सम के फॉर्मूला से हो जाएगा। ये भी फॉर्मूला टू एंगल के सम से हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको याद करवा देता हूँ आपको, आपको नोट डाउन करा देता हूँ, कहीं कहीं यूज हो सकता है, ठीक। या अदरवाइज आपको टू एंगल का सम का फॉर्मूला आता है, सम डिफरेंस का, तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप लिख लीजिए, यूजफुल फॉर्मूला है, कभी ना कभी तो यूज हो ही जाएगा इसका डायरेक्ट, टेन ए प्लस बी प्लस सी। तो फॉर्मूला होगा ये, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी माइनस टेन बी टेन सी माइनस टेन सी टेन ए, ठीक। अब ये तो हो गया टेन वाला, फिर से समझ लीजिए, टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी टेन सी और टेन सी टेन ए। अब हमें इसमें कॉट का अगर फॉर्मूला बनाना है, कॉट का फॉर्मूला बनाना है, तो देखिए बिल्कुल ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है। अगर इसके न्यूमरेटर में माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का मल्टीप्लाई, तो ये पूरी टर्म माइनस की हो जाएगी और ये प्लस का हो जाएगा, ठीक। इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, वन माइनस का, और ये सभी क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। बस टेन की प्लेस पे कॉट लिखना रहेगा, ठीक है। तो इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करके मैं पूरा लिख रहा हूं, देखो अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूं तो ये सब ये क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, लेकिन टेन नहीं कॉट होंगे, वो कॉट ए कॉट बी कॉट सी, ठीक। अब ये माइनस हो जाएंगे क्योंकि सभी प्लस वाले तीनों, तो माइनस कॉट ए कॉट बी कॉट सी। अब आ जाते हैं नीचे, ये तो हो गया न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा बताइए, ये सभी प्लस वाले हो जाएंगे और वन क्या हो जाएगा, माइनस का, तो हो जाएगा कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए माइनस वन, पूरा सेम वैसा ही नहीं, बस हमने टेन को कॉट में कन्वर्ट किया और माइनस का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ठीक। टेन रिप्लेसेस बाय कॉट एंड मल्टीप्लाई माइनस माइनस साइन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये चेंज हो जाएगा। मैंने याद करने के लिए आपको बताया, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं, आप कैसे याद कर सकते हो, टेन का अगर याद है तो कॉट का हम लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला लिखिए, ये भी फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं इसका यूज होगा, जहां भी यूज होगा आपको समझ में आ जाएगा, कुछ प्रश्नों में यूज करेंगे, तो इसे भी कंप्लीट कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, इसमें फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ टी रेशोस एज सम एंड डिफरेंस ऑफ टी रेशोस। प्रोडक्ट का सम डिफरेंस में क्या होता है फॉर्मूला, तो समझिए, ये पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, तो सबको पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब ये फर्स्ट सेकेंड हमने इसको कंसिडर कर रखा है, तो मैं क्या करता हूं, वन प्लस टू दोनों को ऐड कर देता हूं, तो दोनों का एलएचएस भी ऐड होगा और आरएचएस भी ऐड होगा, तो ऐड करने के बाद देखिए रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऐड मैं कर रहा हूं, ऐड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा एलएचएस एलएचएस ऐड, तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब मैं ऐड करूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और ये भी कॉस ए साइन बी माइनस कर, तो दोनों कैंसिल, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो टू टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, ठीक है। तो ये हो गया क्या, प्रोडक्ट का सम डिफरेंस में, ठीक। यानी हमें जो याद करना है, रिमाइंड करना है, वो इस टाइप से याद करना है, आपको याद करने के लिए फॉर्मूले, तो मैंने बनाने के लिए फॉर्मूला किया, आपको ये पता है फॉर्मूले, उससे हमें डायरेक्ट लिखा क्या है, प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस फॉर्म में, सम एंड डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। तो इसको जस्ट रिवर्स लिखना है, यानी फॉर्मूला क्या है, टू साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो गया आपका फाइनल रिजल्ट, है ना। प्रोडक्ट का किसके फॉर्म में, सम और डिफरेंस के फॉर्म में फॉर्मूला, तो ये आपको याद रखना है, इसे याद रखना है ना, कि टू साइन ए कॉस बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन
ए माइनस बी। अब नेक्स्ट नेक्स्ट क्या करना है, हमने इसे प्लस किया था, अब हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस करते हैं यानी वन माइनस टू, तो माइनस करने पे क्या हो जाएगा रिजल्ट, नीचे लिख रहा हूं, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो माइनस करोगे तो देखो क्या होगा भाई, माइनस अगर करते पूरी इक्वेशन को तो ये माइनस होगा और ये प्लस हो जाएगा, तो अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा आपका टू कॉस ए साइन बी। ठीक, माइनस जब होगा तो माइनस वाला ध्यान रखिएगा, ये माइनस हो जाएगी पूरी इक्वेशन, ये भी माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि क्या था माइनस था, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, और एलएचएस में भी क्या लग जाएगा माइनस, ये माइनस हो गया। अब इसको हमें ऐसे तो याद नहीं करना है, याद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट का सम डिफरेंस में, तो प्रोडक्ट का सम डिफरेंस क्या, टू कॉस ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो भाई इसे भी ध्यान रखिए आप बढ़िया से, अच्छे से ध्यान रखें इसे, ये भी आपका फॉर्मूला है, फाइनल रिजल्ट है। ठीक, तो ये दोनों आपके प्रोडक्ट के फॉर्मूले, सम और डिफरेंस के फॉर्म में, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला देख रहे हैं हम, कॉस वाले देख रहे हैं, नेक्स्ट कॉस वाले फॉर्मूले हम देखते हैं। ठीक है, साइन कॉस हो गया फर्स्ट सेकंड, अब ये थर्ड फोर्थ, कॉस ए प्लस बी तो कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और सिमिलरली कॉस ए माइनस बी तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अब फिर हम क्या करें, वही प्रोसेस दोनों को ऐड कर देते हैं, तो थ्री प्लस फोर, तो एक नया फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, एलएचएस एलएचएस ऐड होगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, जब ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए प्लस माइनस वाले, टू कॉस ए कॉस बी। ठीक, तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा याद रखने के लिए, कैसा याद रखेंगे, हमें कैसे याद रखना है, टू कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, तो ये आपका फाइनल फॉर्मूला है, ये थर्ड वाला फॉर्मूला। ठीक, टू कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट फॉर्मूला हम माइनस करते हैं, तो माइनस थोड़ा सा मैं चेंज करके माइनस कर रहा हूं, यहां पे थ्री माइनस थ्री प्लस फोर लिखा है, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, फोर माइनस थ्री, फोर माइनस थ्री कर रहा हूं, तो इसमें से इसे माइनस करना होगा। ठीक है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक, ये भी माइनस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, अगर मैं माइनस करता तो ये भी माइनस हो जाता, ये भी माइनस, यानी माइनस टू साइन ए साइन बी आ जाता। ठीक, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया, हम फोर में से थ्री को माइनस कर रहे हैं, तो फोर में से थ्री माइनस करोगे तो क्या होगा, कॉस ए, नेक्स्ट फॉर्मूला जो बना आपका कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, भाई ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए क्योंकि इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं और इसका साइन चेंज होती है, अब ये दोनों प्लस हो जाएंगे, टू टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। ठीक, अब इसे भी याद करना है, तो आप क्या याद रखना है आपको, टू साइन ए साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और एक चीज और भी मैं आपको बता रहा हूं, सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है। ठीक, मोस्ट टाइम भी इसे मैं लिख देता हूं, मोस्ट टाइम भी लिख देता हूं कि आपको ये ध्यान ही रखना है, यूज तो सभी होंगे लेकिन ज्यादातर यही फॉर्मूला यूज होता है सम डिफरेंस वाला। ठीक, तो हमें फोर फॉर्मूला देख लिए, साइन कॉस वाले भी दो देख लिए थे, और ये साइन वाले भी दो फॉर्मूले देख लिए थे सम डिफरेंस में, और कॉस के भी ये सम डिफरेंस के फॉर्मूले, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब थोड़ा सा उसका जस्ट नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं, हमने जो किया था उसका जस्ट अपोजिट,
फॉर्मूला फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ टी रेशोस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टी रेशोस, है ना, फॉर्मूला फॉर सम एंड डिफरेंस ऑफ टी रेशोस एज अ प्रोडक्ट ऑफ टी रेशोस, यानी इसको हम सी डी फॉर्मूला भी बोलते हैं, सी डी फॉर्मूले के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक, कि सी डी के फॉर्म में है ना, साइन सी साइन डी की वैल्यू कैसे याद, तो मैं सब आपको बता रहा हूँ कैसे वो डिराइव होती है, कैसे आपको बनाना है वो फॉर्मूला। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला आपने पहले ही लिख लिया, अभी इससे पहले यही चल रहा था, ठीक है, प्रोडक्ट को सम डिफरेंस फॉर्म में लिखना। अब सम डिफरेंस को प्रोडक्ट के फॉर्म में हम कैसे याद करते हैं, टू साइन ए कॉस बी, टू साइन ए कॉस बी, तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, सिमिलरली ये भी हो चुका है, टू कॉस ए साइन साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको क्या चेंज करना है, चेंज थोड़ा सा माइनस चेंज करना है, पुट ए प्लस बी इक्वल टू सी, ए प्लस बी को सी पुट कर दिया और ए माइनस बी को डी पुट कर दिया, ठीक। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं फर्स्ट सेकेंड को, तो अगर मैं यहां से ए बी की वैल्यू निकालू तो आप दोनों इक्वेशन को एड कर दो, इसी ए कैंसिल, टू ए इक्वल टू सी प्लस बी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी प्लस डी बाय टू, ये हो गया ए। सिमिलरली बी क्या हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की जैसे आप वैसे बी के हम निकालेंगे तो बी आ जाएगा सी माइनस डी बाय टू, ठीक। तो ये दोनों ही है फॉर्मूले, आपको ये ए की जगह चेंज करना है, ये बी की जगह चेंज करना है, और सी क्या ए प्लस बी की प्लेस पे सी हो जाएगा और ए माइनस बी की प्लेस पे डी, यानी सी डी में आप कन्वर्ट करें, तो इसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, इस पहले को फर्स्ट वाले को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं सी डी में, ठीक। तो अब ये सी और ये डी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले मैं इधर आरएचएस लिखूंगा और इस एलएचएस को राइट साइड में, क्योंकि हमें सम डिफरेंस को प्रोडक्ट में लिखना है, ठीक। तो हम इस पहले आरएचएस को इधर लिख रहे हैं, तो इसकी प्लेस पे क्या हो जाएगा सी और इसकी प्लेस पे डी, तो ये हो जाएगा आपका साइन सी प्लस साइन डी, ठीक, साइन सी प्लस साइन डी। इधर क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू सी प्लस डी बाय टू और बी की वैल्यू सी माइनस डी बाय टू, तो चेंज कर देते हैं, टू साइन सी प्लस डी बाय टू, फिर कॉस सी माइनस डी बाय टू, ठीक। तो ये आपका एक फॉर्मूला यहां पे हो गया, कंस्ट्रक्ट हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। फिर इसको हम इधर दें तो हो जाएगा ये साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला, तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू सी प्लस डी बाय टू और बी की वैल्यू सी माइनस डी बाय टू, साइन सी माइनस डी बाय टू, ये आपका सेकेंड फॉर्मूला, ठीक। तो भाई ये सी डी फॉर्मूले हैं, तो आपको ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, अगर साइन सी माइनस साइन डी कोई पूछे, साइन सी माइनस साइन डी, ये साइन डी है, साइन सी माइनस साइन डी कोई पूछे तो टू कॉस सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू, ये दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। अब हम आगे देखते हैं कॉस वाले फॉर्मूले, चलिए, है ना, तो फर्स्ट सेकेंड साइन कॉस साइन वाले हो गए, अब हम कॉस वालों में कन्वर्जन करके देखते हैं, ठीक। तो पुट तो यही करना था, तो मैंने ऐसे एज इट इज रहने दिया, ए की वैल्यू ये बी की वैल्यू है, सी सी इज इक्वल टू ए प्लस बी और डी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तो चेंज करते हैं हम इस आरएचएस को, पहले एलएचएस में लेंगे, ठीक। तो पहले मैं इसे चेंज करता हूं तो क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, यहां पे टू कॉस सी प्लस डी बाय टू, सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू, ठीक। तो भाई ये रहा आपका नेक्स्ट रिजल्ट, सम डिफरेंस का प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब इसे देख नेक्स्ट, अभी क्या है डी और ये क्या है, ये सी है ना, तो डी माइनस सी का फॉर्मूला, या हम c माइनस डी ही लिख रहे हैं, इसे मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये c माइनस डी का फॉर्मूला, यानी माइनस का चेंज करना पड़ जाएगा हमें, ठीक है। तो मैं इसको अभी एज इट इज लिखता हूं, नेक्स्ट स्टेप में उसको सॉल्व करके लिख दूंगा,
ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस डी लिखो इसे, कॉस डी माइनस कॉस सी का फॉर्मूला, कॉस डी माइनस कॉस सी इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए की वैल्यू सी प्लस डी बाय टू और बी की वैल्यू साइन डी की वैल्यू सी माइनस डी बाय टू। लेकिन बिल्कुल बुक्स में ऐसे फॉर्मूला नहीं होगा क्योंकि फॉर्मूला सी माइनस डी के फॉर्म में ही आता है, तो हम पूरी क्वेश्चन में माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो और में करके मैं लिख रहा हूं जो फाइनल रिजल्ट है। अगर माइनस का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस टू टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाय टू साइन सी माइनस डी बाय टू। ठीक, तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। ठीक है, ये दो गया फाइनल, ये भी इंपॉर्टेंट है, बच्चे ज्यादा भूल जाते हैं। बुक्स में इसे और भी इस तरीके से लिखा रहता है, और में इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन, देखिए लिखा हमने 2 साइन सी प्लस डी बाय टू सी प्लस डी बाय टू, फिर इसको मैं डी माइनस सी कर देता हूं, एंगल को क्या करता हूं इंटरचेंज, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूं, यानी इस माइनस को मैं यहां एडजस्ट कर देता हूं, यानी डी माइनस सी, यानी इस माइनस का इस एंगल में मल्टीप्लाई हो जाएगा हो जाएगा साइन डी माइनस सी बाय टू। ठीक, तो ये भी फॉर्मूला है, इसी का फॉर्मूला है, ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, आपको जैसा समझ में आए। डी माइनस सी बाय टू भी हो सकता है, या माइनस आप आगे लगा दो तो सी माइनस डी बाय टू भी हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला सम एंड डिफरेंस का, किस फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, सम ये हो गया सम का फॉर्मूला, और ये डिफरेंस का किन फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म, ये भी प्रोडक्ट है ये भी प्रोडक्ट है, इसे हम सी डी फॉर्मूले के नाम से भी जानते हैं कि सी डी फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो ये ओवरऑल सभी हमने सम डिफरेंस वाले सभी फॉर्मूले देख लिए। ठीक है, अब आगे हम जो देखेंगे 2 थीटा 3 थीटा के फॉर्मूले देखेंगे, तो यहां तक के फॉर्मूले आप नोट डाउन करिए, बढ़िया से लिख लीजिए। चलिए अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लेते हैं, है ना, आज अभी तक तो हमने बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए, सम डिफरेंस वाले, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले देख लिए, अब हम देखेंगे फॉर्मूला ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल, मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल के फॉर्मूले। तो पहला इसमें फर्स्ट कैटेगरी मैंने क्या डिफाइन करी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ 2 थीटा इन टर्म ऑफ थीटा, 2 थीटा का फॉर्मूला थीटा के टर्म में क्या होगा, तो मैं समझा देता हूं एक शॉर्ट एग्जांपल से कि 2 थीटा का फॉर्मूला आता कैसे है। फॉर एग्जांपल समझिए, साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला हमने याद किया था, क्या होता था ये, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला है। अगर हम इन दोनों को ए इक्वल टू बी इक्वल टू थीटा सपोज कर लें, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो क्या बन गया ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो गया हमारा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो वैसे ही कॉस के लिए भी होता है, टेन के लिए भी होता है, तो हम एक एक चीज मैं समझा रहा हूं आपको, ध्यान से समझिएगा। तो इसमें पहला जो फॉर्मूला होगा, फर्स्ट वाला फॉर्मूला, ये होगा पहला साइन 2 थीटा के लिए, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और यही फॉर्मूला टेन के फॉर्म में भी होता है, तो ये होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक हो गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरा फॉर्मूला जो 10 के फॉर्म में होता है, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेकेंड फॉर्मूला कॉस के लिए, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस 2 थीटा के फॉर्मूले कई सारे होते हैं, एक ही करके मैं सब बता रहा हूं। पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। दूसरा फॉर्मूला साइन के फॉर्म में होगा, ठीक है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में होगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक फॉर्मूला टेन के फॉर्म में होगा, तो टेन के फॉर्म वाला भी लिख देते हैं हम यहां पे, तो जो टेन के फॉर्म में होगा वो होगा 1 माइनस एन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस
टेन स्क्वायर थीटा, ये टेन के फॉर्म में फॉर्मूला हो गया। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला कॉस साइन के फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, कॉस के फॉर्म में और टेन के फॉर्म में। आप चाहो तो इसे बिल्कुल इजीली समझ सकते हो, इसको भी मैं समझा देता हूं आपको कैसे आता है ये फॉर्मूला। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आप सबको पता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। तो अब यहां पे देखिए दोनों जगह थीटा पुट करना था, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है, ये सब थीटा थीटा ही है। ए बी को थीटा कंसीडर करते हैं तो कॉस टू थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा साइन थीटा, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया। अब इसके बाद आइडेंटिटी का यूज करना है। अगर हमें फॉर्मूले को कॉस के फॉर्म में लिखना है, फॉर्मूले को कॉस के फॉर्म में लिखना है, तो जो आइडेंटिटी है कॉस साइन स्क्वायर की, तो उसको हम चेंज करके लिख देंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। ठीक, अगर इसी फॉर्मूले को हमें साइन के फॉर्म में लिखना है तो इस कॉस को चेंज कर देंगे वन माइनस साइन स्क्वायर लिख देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, और टेन का फॉर्मूला आपको दिया ही है। अब सिमिलरली देखते हैं टेन थीटा का फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला है आपको, तीसरा फॉर्मूला टेन टू थीटा है ना, यही मोस्टली यूज होते हैं, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता। टेन टू थीटा का फॉर्मूला तो हो जाएगा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये तो जो था हमारा टू थीटा का फॉर्मूला थीटा के फॉर्म में था। ठीक, तो इसको कंप्लीट करिए, हम और आगे देखते हैं। चलिए अब इसका सेकेंड हम देखते हैं ना, सेकेंड पार्ट देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थ्री थीटा इन टर्म ऑफ थीटा। अब इससे पहले हमने टू थीटा को थीटा के टर्म में देखा था, अब थ्री थीटा को थीटा के टर्म में लिखना है। तो पहला साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला, तो साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन क्यूब थीटा। ठीक, कॉस थीटा का फॉर्मूला फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा। ठीक, अब लास्ट वाला फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट है, थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये सभी फॉर्मूले हो गए आपके। साइन थ्री थीटा का फॉर्मूला आपका हो जाएगा थ्री साइन थीटा माइनस फोर कॉस क्यूब थीटा, कॉस थ्री साइन थीटा माइनस फोर साइन थ्री थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, और टेन थीटा का फॉर्मूला थ्री टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो ये सभी फॉर्मूले थ्री थीटा वाले हैं, किस टर्म में है थीटा के टर्म में दिए हुए। अब आगे का और देख लेते हैं, एक दो कंसेप्ट है तो पूरा समझ लेते हैं, तो फॉर्मूले का ये पूरा जो लेक्चर है कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम समझ लेते हैं लास्ट इसका फॉर्मूला चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा इन टर्म ऑफ थीटा बाय टू। ठीक, इसको हम हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा इन टर्म ऑफ थीटा बाय टू। अब ये फॉर्मूला तो मैंने अभी लिखवाया था आपको, साइन टू थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा कॉस थीटा, इधर टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब देखो इसको अगर हमें थीटा में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, ये टू थीटा है तो हम टू से डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा टू से डिवाइड, इधर भी टू से डिवाइड। ठीक, यहां भी टू से डिवाइड, यहां भी टू से डिवाइड। ठीक, तो ये थीटा से तो टू से टू क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा साइन थीटा हो गया। तो इसको मैं हटा के अब क्या लिख रहा हूं यहाँ पे साइन थीटा। ठीक, ये हो गया साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला टू साइन थीटा बाय टू कॉस थीटा बाय टू, और टेन के फॉर्म में क्या हो जाएगा टू टेन थीटा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू। सिमिलरली कॉस के लिए भी यहाँ टू से डिवाइड, तो जितना एंगल जहां जहां एंगल वहां पर टू से डिवाइड हो जाएगा, ये थीटा बाय टू थीटा बाय टू, ये थीटा बाय टू, ये भी टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, और यहाँ पे थीटा बाय टू, ये भी थीटा बाय टू। ठीक, तो कन्वर्जन कैसा हो गया टू से टू ये कैंसिल, तो सिमिलरली इसको भी मैं अब क्या लिख दूंगा कॉस थीटा। ठीक है भाई, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू माइनस वन, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू
अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू लिख देता हूं यहां से और अच्छे से आपको, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक है ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे वही सेम कंसेप्ट, ये टू से डिवाइड तो ये थीटा बाय टू, ये भी थीटा बाय टू, तो टू से टू कैंसिल, तो हम इसको क्या लिख देंगे टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा टू टेन थीटा बाय टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, और मैं इसको अच्छे से लिख देता हूं टू टेन थीटा बाय टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय टू, ठीक। तो अगर क्वेश्चन आता है ये हाफ एंगल का फॉर्मूला पूछा जाए या थीटा का थीटा बाय टू के टर्म में पूछा जाए तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो कहीं कहीं इसका भी यूज करेंगे, जब यूज करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ऐसे हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं, तो आप दोनों नाम से याद रखिए, हाफ एंगल फॉर्मूला या थीटा का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ थीटा बाय टू, नोट डाउन करिए। चलिए तो इसका एक लास्ट है स्पेशल फॉर्मूला, हमने लिखा इसको सम स्पेशल फॉर्मूले, तो ये कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है ना, तो हम इसको प्रूव करके, इसके पहले जितने हमने फॉर्मूले किए कुछ, ठीक, टू साइन ए साइन बी वाले या टू कॉस ए कॉस बी, तो उससे ये प्रूव हो जाते हैं फॉर्मूले, तो इसको देख लीजिए। स्पेशल प्रॉपर्टी आपको याद रखना है साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो हम इसको लिखेंगे क्या, इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या और में हम इसको अगर कॉस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो ये पहला कंप्लीट हो गया, दूसरा देख लीजिए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, तो ये होगा आपका कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या अब अगर हम इसे आइडेंटिटी से चेंज करेंगे साइन को कॉस में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसको अगर हम चेंज करें तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉस में हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। तो ये आपके सभी फॉर्मूले थे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा, इसको अच्छे से कर लीजिए, फॉर्मूले का ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो गया ट्रिग्नोमेट्री में, अब आगे का जो भी होगा उसमें हम देखेंगे क्वेश्चंस देखेंगे, तो आपको सभी फॉर्मूले याद होने चाहिए क्योंकि अभी सभी सब मिक्स आएगा ना, कहीं भी कोई भी फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। तो मैं तो कैटेगरी वाइज डिवाइड करके क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस तो कहीं से भी हो सकता है और कोई भी फॉर्मूला कहीं भी मिक्स हो सकता है, तो आपको सभी फॉर्मूले